Hello. Hello. Hi, Vachabhadi. Very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra. And I hope you guys are doing fine. Are we live? Are we live? Am I audible? Hello, hello. माइक टेस्ट वन टू थ्री वन टू थ्री माइक टेस्ट एक बार बस एक बार मुझे बता दीजिए अगर आवाज एकदम सही आ रही है क्या क्योंकि मैं आवाज को फिक्स कर रही थी चैप्टर पूरा कवर करने की कोशिश ही करने वाले हैं आज हम जल्दी से मेरे को एक बार बता दीजिए एवी एकदम क्लियर है क्या एवी ओके मेरे को लग रहा है कि आवाज साफ ही है तभी आप लोग आराम से बात करे जा रहे हो मुझसे ओके ओके एवरीथिंग इज परफेक्ट थैंक यू हाय रितेश हाय राधा हाय तनुष्का हाय मिली तुम मुझे कैसे नाम मिली मिली बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए हाय कपिल हाय स्वे हाय नंदिनी हाय हाई स्पिरिचुअल हाय हैप्पी हाउ आर यू कैसे हो क्या हाल है हाय राधा कैसे हो श्रिष्टि एक श्रिष्टि से तीन चार शिष्टि का काम हो जाता है एक शिष्टि को हाई बोल दो तो ओके ऑल राइट हाई कॉमेडी मी कैसे हो क्या हाल है हाई अनुज हाय राधा हाउ हाई यू गर्वित क्या हुआ वापस से ट्वेल्थ पढ़ने का मन है क्या हाई संपूर्ण हाई राघवेंद्र हाउ आर यू राधा कैसे हो भावना क्या हाल है अरे गोविंद गोविंद हाई गोविंद यू आर कैथरीन हाई कैथरीन हाय संभवी ओके गूगल हाय, चलो बढ़िया टुमारो इज योर इंग्लिश एग्जाम क्या बात है ऑल द बेस्ट हाय उत्तम हाय जे एस्पिरेंट हाय दिव्या हाय सुरुचि हाउ यू इश्मी हाउ यू क्या हाल है अनुराग हाय अनुभा हाउ यू प्रणव व्हाट्स अप सिमरन कैसे हो क्या हाल है ऑल राइट फाइनली तो अभी हम लोग क्लास ट्वेल्थ के जो हमारा सीरीज है लाइव सीरीज है उसमें कुछ एक चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमने द पोएट्स एंड पैनकेक्स कंप्लीट कर लिया है इसके साथ में हमने पोम्स में आंट जेनेफर्स टाइगर भी कंप्लीट कर लिया है आज हम हमारी फ्लेमिंगो बुक जो है उसका पोएट्स एंड पैनकेक्स के बाद वाला चैप्टर करने वाले हैं जो कि है द इंटरव्यू फ्लेमिंगो के अंदर इस चैप्टर के बाद सिर्फ एक ही चैप्टर रह जाएगा जो कि है गोइंग प्लेसेस जो बच्चे मुझे इस वक्त से ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे बच्चे जो मुझे इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हो द इंटरव्यू तक पहुंच गई है मैम और उसके पहले के चैप्टर्स का क्या होगा डोंट वरी ऑलरेडी आपको सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पर चैनल पे मिल जाएंगे बाकी सारे चैप्टर्स भी मैं रिविजन के वन शॉट्स के लिए अपलोड यहाँ पर कर देने वाली हूं अगर आपको लगता है लाइव में ज्यादा बढ़िया समझ में आता है तो मैं लाइव लगा दूंगी कोई टेंशन नहीं है ठीक है तो अभी मैम फिर हम लोग इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंड मोमेंट पे आके एकदम ऐसा होता है ना एकदम लास्ट में एकदम उस मोमेंट पे आके जब मेरे को कोर सब्जेक्ट्स पे फुल फोकस करना होता है मेरे ऊपर इंग्लिश भी आ गया है तो वो हमें नहीं करना है इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर दे क्योंकि नवंबर से बहुत सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड शुरू हो जाएगा अभी सिलेबस कंप्लीट करके रख लेंगे तो नवंबर में बढ़िया रिवीजन कर पाएंगे ठीक है तो इसलिए हम चले जा रहे हैं आगे जिनका भी पीछे का छूट रहा है बैकलॉग हो रहा है आप टेंशन मत लीजिएगा पीछे के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड इनके इनकेस आपने नहीं देखे हैं या आप चाहते हो कि वो लाइव वर्जन में फिर से कराए जाए जस्ट लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन एंड मैं उन्हें लाइव लगा दूंगी ठीक है ठीक है ऑल राइट right, तो आज के इस चैप्टर को शुरू करें द इंटरव्यू ठीक है अब देखो बच्चों जैसे कि आप ऑलरेडी इसका नाम पढ़ चुके हो चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू द इंटरव्यू यानी कि यहाँ पे हम ऐसे दो लोगों के कॉन्वर्जेशन के बारे में सुनने वाले हैं एक तरफ कोई बात कर रहा होता है सवाल पूछ रहा होता है और दूसरी तरफ कोई उसका जवाब दे रहा होता है शायद उसी को हम इंटरव्यू कहते हैं ये एक परस्पेक्टिव है बच्चों आपका एक पर्सपेक्टिव है कि एक इंसान जिसे इंटरव्यूअर कहते हैं वो सवाल पूछता है और इधर दूसरा इंसान जिसे इंटरव्यू कहते हैं वो जवाब देता है और ये लो जी हो गया इंटरव्यू आज के इस चैप्टर के अंदर क्रिस्टफर सिल्वेस्टर कौन क्रिस्टफर सिल्वेस्टर ओपी कर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी से जल्दी से ओपी कर दीजिए क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो है वो वो हमें बताने वाले हैं कि इंटरव्यू एक्चुअली बाकी लोगों के नजरिए से क्या है अब यार आपको अगर इंटरव्यू लेना है किसी का तो आपके तो बल्ले ही बल्ले है हाँ मतलब आपको इंटरव्यू लेना है तो ठीक है भाई कुछ क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर लिए और प्रिपेयर करके सामने वाले से आप पूछने लग गए हाँ जी ये बता दीजिए वो बता दीजिए पर जिस इंसान को इंटरव्यू देना है उसके तो पसीने छूट जाते हैं वो तो ये सोच में पड़ जाता है यार कहीं कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से कहीं पब्लिक किसी चीज को पकड़कर कुछ उल्टा ना बना ले उसका है ना मतलब सब लोग का अपना परसेप्शन होता है ना हर चीज तो हर इंसान एक नजरिए से देखता नहीं है जितने लोग उतने नजरिए वो तो बेचारा इंटरव्यू तो ये सोचता रहता है कि है मैं क्या बोलूं ज्यादा बोलूंगा अलग इमेज बनेगी कम बोलूंगा अलग इमेज बनेगी अगर चीजें छुपाऊंगा तो लोग कहेंगे चीजें छुपाता है ज्यादा सच्चाई बता दूंगा तो लोग कहेंगे कि देखो ये ऐसा है वैसा है तो ये सारे जितने भी परसेप्शन है इंटरव्यूअर के नजरिए से इंटरव्यू क्या है और इंटरव्यू के नजरिए से इंटरव्यू क्या है ये दोनों हम देखने वाले हैं इस चैप्टर द इंटरव्यू में जिसे लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने बता देती हूँ कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने जो ये चैप्टर लिखा है ये एक्चुअली फुल चैप्टर नहीं है ये सिर्फ उनके इस पूरे के पूरे मैं कह सकती हूँ आर्ट का वर्क का एक्सेप्ट है बाय द वे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा प्यारा सा समरी भी मिल जाएगा चैप्टर का ठीक है एक छोटा सा प्यारा सा समरी भी मिल जाएगा चैप्टर का तो वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं इनकेस आपका कुछ भी है, कुछ भी भी इंट्रोडक्शन या मिस हो गया ठीक है तो चलिए फिर शुरू करें बुक खोल लीजिए फ्लेमिंगो हमारी बुक है दो पार्ट्स के अंदर चैप्टर को डिवाइड किया गया है पार्ट नंबर वन हमारे सामने आ चुका है तो चलिए फिर इसी बात पर शुरू करते हैं अच्छा अभी यहाँ पे आपको तो जी अभी पर आपको तो मैंने बता दिया कि ये जो इंटरव्यू है ये इंटरव्यू दो लोगों के बीच की वार्तालाप हो सकती है एक इंसान सवाल पूछ रहा है एक इंसान जो है वो जवाब दे रहा है हम कह सकते हैं बट हमेशा से ऐसा नहीं था इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा पुराना नहीं है इनफैक्ट इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट अभी बस अ लिटिल ओवर वन थर्टी अभी बस कुछ एक साल पहले आया है ठीक है कुछ 130 साल पहले तो ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट का इन्वेंशन कब हुआ है अ लिटिल ओवर 130 थर्टी ईयर्स अगो द इंटरव्यू हैज बिकम कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म मैं तो आपको ये कह देती हूं कि बहुत जगह तो जर्नलिज्म और इंटरव्यू को एक ही माना जाता है लोग तो ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट का काम ही यही है काम ही यही है और कोई काम ही नहीं उनके पास में बस बाइक लेके पहुंच जाओ लोगों से सवाल करो और वापस आ जाओ बस यही काम है उनका ठीक है अब आप देखोगे आज के इस दौर में ठीक है टुडे आज के इस दौर में ऐसा कोई भी इंसान जो लिटरेट यानी पढ़ा लिखा है एक ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा है मतलब या फिर आपने देखा होगा कि जिसको इतना पढ़ना आता है कि ठीक है अगर कुछ भी रीड करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा ठीक है कोई डिग्री विग्री की जरूरत नहीं है ऐसा इंसान ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी जिंदगी में कोई ना कोई इंटरव्यू तो जरूर पढ़ा होगा है ना तो कोई ना कोई जो भी इंसान ऐसे होते पढ़े लिखे हैं थोड़ा पढ़ना जानते हैं उन्होंने जरूर अपनी जिंदगी में एक बार तो इंटरव्यू जरूर पढ़ा होगा अब आप देखते हो कि यहाँ पे केवल और केवल आप इंटरव्यू पढ़ते हो आप देखते हो एक इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू ही, यानी सिलेब्रिटी से कुछ पूछा सेलिब्रिटी ने कुछ जवाब दिए बट यहाँ पर सिर्फ उतना ही उसका मकसद नहीं होता आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द आपने जरूर अपने जिंदगी के अंदर एक इंटरव्यू बिल्कुल पढ़ा ही होगा ठीक है आजकल तो आपको पता है मास मीडिया का जमाना है तो आप इंटरव्यू ज्यादा देखते हो और आजकल तो इंटरव्यूज को एक नया एकदम आ, एकदम भड़कीला नाम दिया हुआ है पॉडकास्ट ठीक है तो इंटरव्यूज का नया नाम हो चुका है पॉडकास्ट ठीक है तो आप आजकल इंटरव्यू देखते हो बट आपने अपने जीवन में एक ना एक बार इंटरव्यू देखा होगा पर अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो न जाने कितने हजारों सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू इतने सालों में लिया गया है ठीक है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू तो बार बार लिया गया है तो आजकल तो आप नॉर्मली आपको कोई भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा इनफैक्ट आजकल की दुनिया के अंदर तो सेलिब्रिटी आकर खुद से इंस्टाग्राम हो गया सोशल मीडिया का कोई भी पेज हो गया अपने जीवन के बारे में बताते इतने सारे सेलिब्रिटीज अपने लाइफ में होने वाले सारे जितनी भी चीजें हैं जो भी इवेंट्स हैं उसमें आपको शामिल करते हैं तो आजकल ये इतनी बड़ी बात नहीं है बट सम लिटिल समिटिल गो ठीक है बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस टाइम पर भी इतने सालों के अंदर न जाने हजारों सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया गया है और ये हजारों सेलिब्रिटीज जिनका इंटरव्यू लिया गया है ना ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज में से कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी है जिन्होंने मल्टीपल टाइप इंटरव्यूज दिए हैं मल्टीपल टाइप इंटरव्यूज का मतलब समझते हो वो मम्मी आपसे घर में सवाल नहीं पूछती कल तू कहां था क्या मम्मी कल तू ट्यूशन के टाइम कहां था एंड आप उन्हें एक कहानी बता बताते कि ट्यूशन तो आप गए नहीं थे अब वही सवाल आपसे पांच दिन बाद वापस पूछा जाए हम्म दो तारीख को दो तारीख को तू कहा था अब यार या तो आप एकदम खतरनाक वो पंजी वाली स्टोरी बता सकते हो और पाव भाजी वाली स्टोरी बता सकते हो ठीक है और सत्संग वाली कहानी बीच में फिट कर सकते हो और या फिर अगर आपने झूठ चिपकाया है ना कुछ तो पांच दिन के अंदर अंदर आपकी स्टोरी जो है वो बदल जाएगी एंड देन योर मॉम विल बी लाइक पांच दिन पहले तो तूने ये कहा था और पांच दिन में कहानी बदल गई और पकड़े गए आप समझ रहे हो कि ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इनमें से कितने सेलेब्रिटीज तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बार इंटरव्यू दिया है तो सोचो ये कितनी बार उस चीज से जूझे हैं उनके आइडिया भी नहीं है कि सच बोलेंगे तो ठीक है चलो सेम रहेगा बट अगर कोई झूठ बोल दिया तो ये भी याद नहीं रहेगा कि पहले क्या बोला था और अब क्या बोलना है एनीवे anyway, सो so अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत बार इंटरव्यूज़ लिए गए हैं तो अभी हमारे दिमाग में तो ये आ चुका है कि इतनी बार इंटरव्यूज़ को देखते हुए आपको इंटरव्यूज़ का एक दृष्टिकोण तो आपके सामने आ गया है आपको पता चल चुका है इंटरव्यू के फंक्शंस के बारे में आपको पता चल चुका है इंटरव्यूज़ के मेथड्स के बारे में आपको पता चल चुका है इसके मेरिट्स के बारे में हाँ होती है भाई मेरिट्स होती है ठीक है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कुछ लोग इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो एकदम इंटरव्यू देने के लिए उतारू होते हैं कि लो भाई मेरा इंटरव्यू ले लो कोई दिक्कत नहीं कोई टेंशन नहीं हजार हजार बार ले लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं नो 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 कैमरास प्लीज ठीक है तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है क्या वेरी करता है फंक्शन मेथड्स मेरिट्स ये वेरी करता है सम माइट मे क्वाइट एक्सट्रावगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बींग इन इट्स हाइएस्ट फॉर्म सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इट्स एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट अब जब हम लोग इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं तो एक कमाल की डेफिनेशन हमारे सामने आती है और हमारे सामने एक कमाल की डेफिनेशन जो कि क्वाइट क्वाइट का मतलब क्या होता है जब किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं ना यूजली ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत बार यूज होता है ठीक है तो तब हम क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं ये क्वाइट नहीं

पेब को 2023 में ये चैप्टर पूछा गया है और अब आपसे पूछा जाएगा तो इसके ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने नहीं वाले हैं चैप्टर ट्रिकी है एट टाइम्स बोरिंग हो जाएगा पर मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगी बट आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा नहीं तो बस है ना तो खो मत जाना बीच में ठीक है बाद में प्लान कर लेना अपने गोवा वाली ट्रिप ओके तो आप ध्यान रखेंगे कि कुछ ने सम माइट यानी कि कुछ लोग जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा बड़ा चढ़ाकर क्लेम करते हैं इट यानी कि इंटरव्यू को क्या बताते हैं इंटरव्यू को बताते हैं कि इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ अस ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट बोला इंटरव्यू सबसे ज्यादा बड़ा सच्चाई का सोर्स है सबसे ज्यादा बड़ा सच्चाई का सोच है कैसे मैम कैसे है इंटरव्यू एक सच्चाई का सोच क्योंकि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग अगर आप सामने वाले पर्सन से ही बात कर लोगे तो वो जो बोलेगा वो तो सच ही होगा ना फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे बारे में किसी एक्स वाई जी पर्सन से कुछ सवाल पूछोगे तो मुझे नहीं पता है कि वो आपको सच बताएगा या झूठ बताएगा और आपको भी नहीं पता है क्योंकि वो इंसान मेरे से कितना कनेक्टेड है ठीक है वो मेरे बारे में कितना जानता है उसकी और मेरे रिलेशंस कैसे हैं, उस पर यह डिपेंड करेगा तो आप भी उसकी कही हुई बातों पे इतना यकीन नहीं कर सकते पर अगर वही सवाल आप मुझसे पूछोगे और मैं आपको जवाब दूंगी मैं खुद आपको जवाब दूंगी तो अकॉर्डिंग टू सम पीपल वो सच ही होगा ना है ना rather than asking someone else and then उनकी बात को रिकॉर्ड करना किसी इंसान से जाकर डायरेक्ट पूछना तो ज़्यादा सच्चाई वाली चीज़ है ज़्यादा सच्चाई सामने लाएगा तो अकॉर्डिंग टू सम पीपल इंटरव्यू एक सोर्स है सच्चाई का ट्रूथ का और अगर हम इंटरव्यू की प्रैक्टिस को देखते हैं कि एक पर्सन कुछ क्वेश्चंस लेकर जाता है दूसरे पर्सन के पास उसे बोर नहीं होने देता उसे इंट्रीक फील नहीं होने देता उसे बहुत ही ज्यादा यू नो हम कह सकते हैं इरिटेट नहीं आ, फील होने देता इरिटेटेड नहीं फील होने देता और उससे सवाल पूछता इस तरीके से कि ज्यादा से ज्यादा सच्चाई जो है वो बाहर निकाली जा सके ज़्यादा से ज़्यादा पता किया जा सके उस इंसान के बारे में तो ये जो है ये किसी आर्ट से कम नहीं है ये किसी कला से कम नहीं है ऐसा कुछ लोगों का मानना है अब बच्चों ये मैंने एक्चुअली आपको क्यों समझाया है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चंस है इसके साथ साथ में इसके ऊपर आपको सैंपल पेपर्स में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको इंटरव्यू के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को एकदम से बैलेंस करके देखना है आपको दोनों को एनालाइज करना है और इंटरव्यू के पॉजिटिव्स यहां से उठाने ये वाला जो पैराग्राफ हमने किया है यहां से आप इंटरव्यू के पॉजिटिव सारे पिक करने वाले हो, ठीक है ऑल राइट right, चलो आगे बढ़ते हैं Others, अब देखो यहाँ पर हमने देख लिया कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका मानना है कि भाई ये जो है ये ट्रू एकदम ट्रू फॉर्म में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रूथ है और एक आर्ट के जैसा है जबकि अगर हम दूसरा देखते हैं कुछ और लोगों की बात माने तो देखो वो क्या कहते हैं अच्छा ये कुछ और लोग मैं आपको बता दूं और कोई नहीं सेलिब्रिटीज हैं तो इनकी बात अगर माने सेलिब्रिटीज की तो देखो वो क्या कहते हैं अदर्स यूजअली सिलेब्रिटीज हु Victims might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them. Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. हम्म अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे ये पॉजिटिव्स हैं अगर हम इसके नेगेटिव साइड को देखते हैं यूजुअली इंटरव्यू के बारे में खराब बोलने वाले सेलिब्रिटीज ही होते हैं तो सेलेब्रिटीज कहते हैं कि हम इंटरव्यू के विक्टिम्स हैं यानी हम पीड़ित हैं हमारा इंटरव्यू लिया जाता है तो हम पीड़ित हैं इनफैक्ट हम इस चीज़ से क्या हो गए हैं दुखी हो गए हैं डिस्पाइस यानी कि हम इस चीज़ से दुखी हो चुके हैं क्योंकि इंटरव्यू और कुछ नहीं एक अनवॉरेंटेड इंट्रूजन है अनवॉरेंटेड वॉरेंटेड का मतलब होता है जिस चीज के बारे में आपको पता है आपने सुना होगा ना मूवीज में और इधर उधर ऐसे शोज वगैरह में अरे आपके पास में अरेस्ट वारंट है क्या हाँ किसी चीज के बारे में आपको जानकारी लेनी है सामने वाले के पास में उसकी परमिशन है क्या तो आप जानकारी लेते हो आपके पास में अरेस्ट वारंट है क्या अरेस्ट वारंट क्या अरेस्ट करने की परमिशन है क्या तो अनवॉरेंटेड क्या हो गया बिना परमिशन के इंट्र्यूजन क्या हो गया घुसपैठी तो जो सिलिब्रिटीज है यूजअली उनका ये मानना है कि हम तो इस इंटरव्यू से भैया पीड़ित हैं हम तो पीड़ित है हम तो नफरत करते हैं इंटरव्यू से क्योंकि इंटरव्यू और कुछ नहीं अन इंट्रूजन है यानी बिना परमिशन के हमारे जिंदगी में दखल अंदाजी है ये सिर्फ और सिर्फ दखल यहां पर जो है वो दिया जा रहा है ठीक है इन टू देर लाइफ तो हमारी जिंदगी के अंदर यहां पर आप क्या कर रहे हो दखल दे रहे हो बिना हमारी परमिशन के अब जो बच्चा यहां पे आंसर लिखेगा जो बच्चा इंटरव्यू का आंसर लिखेगा सेलिब्रिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू को समझाएगा और आंसर के अंदर अनवॉरटेड इंट्रूजन मेंशन करेगा वो बच्चे को बढ़िया नंबर मिलने वाले हैं क्योंकि टीचर को पता चल जाएगा ये बच्चे ने एनसीईआरटी एकदम तबीयत से पढ़ी है सिमिलरली जब आप पॉजिटिव्स के अंदर ये बताओगे कि यहां पर कुछ लोगों ने इसे क्या माना है हाइएस्ट फॉर्म फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ और प्रैक्टिस एन आर्ट

अभी हमने पुराना वाला जो देखा था वो पूरा पॉजिटिव है इंटरव्यू की पूरी डेफिनेशन उसका एक्सप्लेनेशन ये नेगेटिव है तो कुछ लोगों का मानना है कि ये अनवॉरेंटेड इंट्रूजन है उनकी जिंदगी में और कुछ लोगों का मानना है कि ये उनको सम हाउ डिमिनिश डिमिनिश यानी छोटा कर देना कम कर देना ठीक है डिमिनिश यानी छोटा कर देना कम कर देना बोला कि ये हमें कम कर देता है छोटा कर देता है हमारी इज्जत गिरा देता है वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप बोलोगे ना उतना ख़राब है क्योंकि तो जितना ज़्यादा आप बोलते हो उतनी ज़्यादा आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को देते हो और आजकल के ज़माने में अगर अपनी इन्फॉर्मेशन आपने किसी को पास ऑन करी है ना अपने बारे में किसी को बताया है तो कोई ना कोई कैसे ना कैसे फ़ायदा उठाने के लिए तैयार ही रहता है अब यहाँ पर क्या है कि आप और मैं हम तो आम इंसान हैं हमारे को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है पर ऐसे लोग जिनकी अच्छी पॉपुलैरिटी होती है अच्छा फैन बेस होता है सेलिब्रिटीज होते हैं वो सारे लोग अगर मान लीजिए कुछ कह देते हैं कुछ ऐसा कह दिया मान लो जो कि पब्लिक ने अलग तरीके से परसीव कर लिया तो उनका तो पूरा का पूरा आप देखेंगे उनकी इमेज ही खराब हो जाती है ठीक है लोग उनके बारे में इतना नेगेटिव बोलने लग जाते हैं नेगेटिव सोचने लग जाते हैं या फिर मान लीजिए कुछ और किसी और पर्सन के बारे में कह दिया तो कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती है है ना तो आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ भी कहने से इंटरव्यू में जितना ज्यादा आप बोलोगे मीडिया को जितना ज्यादा आप अपने बारे में बताओगे उतना बड़ा पंगा यहाँ पर हो जाता है इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि ये इंटरव्यू जो है ना ये इंटरव्यू हमारी जो वैल्यू है वो कम कर देता है जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज़ बिलीव दैट इफ़ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ सम बडी दैन वन इज़ स्टीलिंग दैट पर्सन सोल जैसे कि बहुत सारे कल्चर्स में प्रिमिटिव यानी कि पुराने पुराने कल्चर्स के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई एक इंसान ठीक है कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान का एक फो फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट भी ले लेना कि ठीक है ये ऐसा दिखता है ऐसा दिखता है ये पर्सन पास से ऐसा दिखता है अगर उसको फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट भी बना लिया जाए ना तो मानो जैसे उसकी सोल निकल गई है मानो जैसे एक हिस्सा उसके सोल का जो है वो बाहर आ चुका है अब वो जा चुका है चुरा लिया है उस बंदे ने अब उसके पास है उस सोल मतलब उस पर्सन की सोल का हिस्सा तो अगर कोई एक सेलिब्रिटी है उसकी फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट भी किसी के पास में जा चुकी है ना तो सेलिब्रिटी को ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी उसकी सोल उसके पास जा चुकी है कि वो कैसा दिखता है पास से कैसा दिखता है है ना तो ये उनके अंदर फीलिंग होती है मैं आपको बताती हूँ आजकल सेलिब्रिटीज बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो गए आप सेलिब्रिटीज से डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से बात कर सकते हो अब यहाँ पर बात करने का मतलब ये नहीं कि फोन करके हाँ आलिया भट्ट जी हाँ हाँ तो क्या मिला झुमका वो गिरा हुआ कि नहीं मिला नहीं यहाँ पर बात करने का मतलब है कि अगर कोई वीडियो कोई सेलिब्रिटी पोस्ट कर रहे हैं ठीक है आजकल तो देखो एक नया ट्रेंड आया है बॉलीवुड में शादियों का वीडियो पोस्ट करने का तो शादियों का वीडियो पोस्ट हो रहा है है ना तो सारे ऐसे कोई वीडियो कोई इमेजेस वो पोस्ट कर रहे हैं आप कॉमेंट करते हो कभी कभी तो आजकल सेलिब्रिटीज आगे से आपको रिप्लाइज भी करते हैं तो आजकल सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं कहाँ पर है किसके साथ है ये सब पता करना बड़ा आसान है कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अभी रिसेंटली उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है किसका स्किन केयर रूटीन क्या है हाँ विराट कोहली कौन सा पानी पीता है ये सब जो है ये पहचानना बड़ा आसान है उनके साथ कनेक्ट करना बड़ा आसान है पर एक पॉइंट पर नहीं होता था इनफैक्ट सेलेब्रिटीज ऐसा सोचते थे कि वो अपने आप को जितना एक्सेसिबल बनाएंगे उतनी उनकी वैल्यू गिरेगी आज तक भी पुराने सेलिब्रिटीज यही सोचते हैं जया बच्चन जी कहती है, ना, What is this? ये कोई, ये कोई है ये सवाल पूछने का का आप देखोगे कि बहुत सारे का अभी तक ये मानना है कि जितना वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल रहेंगे जितना वो लोगों के पास में जाएंगे जितना लोग उनके बारे में जानेंगे उतनी उनकी वैल्यू कम होती रह जाएगी बिकॉज ये तो मेरे जैसा ही है यार

ओके okay. अब देखो बच्चों यहां तक तो कहानी थी बहुत ही सिंपल अभी तक आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते थे इंटरव्यू के पॉजिटिव्स बता दीजिए नेगेटिव्स बता दीजिए अब जो है आपको यहाँ पर वेरियस सेलिब्रिटीज के पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हुए अब ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे में आपको ये सारे सेलिब्रिटीज के नाम याद रखने पड़ेंगे और इनके पॉइंट ऑफ व्यूज याद रखने पड़ेंगे ठीक है तो आपको नाम और पॉइंट ऑफ व्यूज दोनों याद रखने पड़ेंगे यहां से माक कर लीजिए पहला पहला जो इंसान है वो है वी एस नाइपॉल पहला इंसान है वी एस नायपॉल के अकॉर्डिंग कहते हैं उनके अकॉर्डिंग इंटरव्यू जो है लूज अ पार्ट ऑफ दमसेल्वीएस नाइपॉल का तो ये मानना है कि इंटरव्यू के अंदर एक हिस्सा है जो लोग खो देते हैं अपना हिस्सा अपना एक हिस्सा है जो लोग खो देते हैं जबकि लुइस केरोल का मानना है जो कि एक्चुअली क्रिएटर है एलिस इन द वंडरलैंड के उन्होंने कहा सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड इट वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड व्हिच मेड हिम दज रिबेल वुड बी अ क्वेंटेंसिस इंटरव्यूअर्स द पर्सिस्टेंट फॉर हिज ऑडोग्राफ एंड ही वुड आफ्टर वर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ इज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ मच सैटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट अब देखो यार यहाँ पर एलिस इन दी वंडर लैंड वाले हमारे जो क्रिएटर हैं है न जो हमारे लुइस हैं देखो उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि मेरे को तो खौफ आता है इंटरव्यूअर से ये आजकल तो ऐसा होता है कि ये सेलिब्रिटीज है सेलेब्रिटीज को देखकर एकदम पीछे इंटरव्यूअर्स भागते हैं बोला लुइस की अकॉर्डिंग टू तो इट्स लाइक जैसे मेरे को इंटरव्यू दिखता है मैं मेरा भागना शुरू हो जाता है ठीक है मेरे को तो खौफ आता है इंटरव्यूअर्स से और मेरे तो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए कॉन्सेंट ही नहीं किया है कभी हाँ नहीं बोला कि हाँ आओ आकर मेरा इंटरव्यू लो उनके लिए तो ये आ, कह सकते हैं कि देखो यार आप जब इंटरव्यू देते हो ठीक है आप जब इंटरव्यू दे रहे हो आप जब किसी को बता रहे हो कि आ, यू नो आप क्या आपको कि, किसी मुद्दे पे क्या फील होता है ठीक है आपको आप किसी को बता रहे हो कि आप यू नो किसी एक पॉइंट क्योंकि आपको तो किसी भी चीज के बारे में पूछेंगे ना मतलब हो सकता है कि अभी करंटली जैसे मान लीजिए आप बाहर गए नियोड़ हाँ आपने देखा हाँ आपने देखा परिणिति की शादी के बारे में सुना आपने आपको कैसा लग रहा है उनका शादी का जोड़ है ना तो किसी चीज के बारे में भी पूछ लेते हैं तो बोला यार एक तो ना मेरे को मेरे को ये चीज पसंद नहीं है मैंने इसीलिए कभी भी ना इंटरव्यू के लिए हाँ नहीं बोला उसके ऊपर से क्या करते हैं मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है लायनाइज्ड हो जाने का लायनाइज्ड हो जाने का मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर चर्चित हो जाने का मेरे को ना बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर चर्चित हो जाने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक है अभी अगर मान लो मैं किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चर्चित हो जाऊंगा तो मैं आम नहीं रहूंगा मेरी स्टोरी उतनी खास नहीं रहेगी मैं शायद जितना आज किसी एक पर्सन के सामने जाकर लोगों को बाद में अपनी सक्सेस स्टोरी अपने मुंह से बताकर या फिर हो सकता है लोगों को इन पर्सन डिस्कस करके खुश होऊंगा उतना ज्यादा तब खुश नहीं होऊंगा जब मुझे कोई पॉपुलर कर देगा ठीक है मेरे को चर्चित कर देगा मेरे को नहीं होना है यार लायनाइज मुझे नहीं करो आप चर्चित मत करो इनफैक्ट मैं नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे जान पहचान वाले मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं मैं चाहता हूँ ये जितने भी पेटिशन लेकर आने वाले पेटिशनर्स हैं ठीक है जो परसिस्टेंटली हाथ धोकर कर पीछे पड़े रहते हैं मेरे ऑटोग्राफ के लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कह दूँ मैं कुछ ऐसा कर दूँ जिसकी वजह से कहीं कही ना कहीं ये लोग सब यू you नो know, कहीं ना कहीं मेरे से अट्रैक्ट होने के बजाय मुझसे दूर चले जाए देखो मेरे को करना ही नहीं है मेरे को नहीं होना है उस तरीके से चर्चित मेरे को चाहिए ही नहीं उस तरीके का फेम मेरे को चाहिए ही नहीं कि आप मेरे को इतना फेम दे दो कि मैं शायद इन लोगों से और ज़्यादा दूर जो है वो चला जाऊँ इनके पास जाने की बजाय इनफैक्ट वो यहाँ पर आ, बाद में बोलते हैं कि यू नो ये आफ्टर रिलेट द स्टोरीज ऑफ ए सक्सेस बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सक्सेस की स्टोरी है मेरे आर्ट मैंने जो किया है मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टोरी है ठीक है उनको रिलेट करूं इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ मच सैटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट अरे मैं तो ये चाहता हूं कि शायद जब मैं एक बार सक्सेसफुल हो जाऊं जब मैं जो हासिल करना चाहता हूं अपने जीवन में मैं एक बार जब वो हासिल कर लूं तो मैं चाहता हूं कि तब जाकर तब जाकर उस पॉइंट पर जाकर मैं शायद ऐसे लोगों को जो लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं या जो लोग मेरे बारे में उतना पॉजिटिव नहीं बोलते हैं उन्हें चुप कराने के काम ले सकूं मैं चाहता हूं कि पहले मैं उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं जहां पर मैं अपनी स्टोरी शायद मुझे कहनी भी नहीं पड़े मुझे मेरी सक्सेस स्टोरी मेरे मुंह से बतानी भी ना पड़े और मेरी सक्सेस स्टोरी खुद बात करे उन लोगों को चुप करने के लिए तो लुइस ने तो ये क्लियर कर दिया है कि एकदम खौफ खाते हैं वो इंटरव्यूअर्स से भागते हैं इंटरव्यूअर्स से और बिल्कुल भी चर्चित नहीं होना चाहते हैं उन्हें अपना जो भी अभी जैसा चल रहा है वैसा ही उनको रखना पसंद है वो एक्चुअली अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को अटेन करना चाहते हैं एंड उसके बाद में एकदम सारे लोग जो शायद उनसे डरते होंगे या जलते होंगे उनका मुंह बंद कराना चाहते हैं वो अभी किसी ऐसी चीज के लिए लोकप्रिय नहीं होना चाहते हैं या कह सकते हैं चर्चित नहीं होना चाहते हैं जिससे लोग उनसे अट्रैक्ट होने की बजाय हो सकता है दूर भागे। ओके okay, देखो आगे क्या हुआ आगे अभी तो हम लोगों ने दो लोगों के बारे में देख लिया ठीक है एक तो वीएस एस नाइपोल के बारे में देख लिया एक लुइस के रोल के बारे में देख लिया अब हमारे पास में तीसरे पर्सन है के प्ले। अब ये तो इन्होंने तो एकदम खतरनाक ही बात कह दी है ही एक्सप्रेसड एन इवन मोर कंडेमटरी एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर ये वर्ड आया है वर्ड कंडेम से जिसका मतलब हो सकता है स्ट्रोंग डिसलाइक तो अभी अगर हम यहाँ पर किपलिंग जी की बात करें तो उन्होंने तो इंटरव्यूअर को लेकर भयंकर डिसलाइक शो किया है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक शो किया है उनकी वाइफ कैरोलाइन जो है वो अपनी डायरी में एक दिन लिखती है अपनी डायरी में डेट डालती है फोर्टीन अक्टूबर 1892 की ठीक है तो उनकी वाइफ कैरोलाइन क्या करती है डेट डालती है अपनी डायरी में फोर्टीन अक्टूबर एटीन की और वहां पर मैंशन करती है उस दिन के बारे में कि उनका ये जो दिन है देयर डे दे, यानि किपलिंग और किपलिंग की वाइफ जो है उनका ये जो दिन है एकदम से रेप्ड बाई टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन बोला कि उनका दिन जो है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया था उनका दिन जो है वो बर्बाद हो गया था दो रिपोर्टर्स की वजह से जो बॉस्टन से थे वो रिपोर्ट करती है वो अपनी डायरी में लिखती है हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स उन्होंने बताया कि उनके पति जो है वो रिपोर्टर्स से कहते हैं व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड अरे बिकॉज इट इज इमोरल इट इज अ क्राइम जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असोल्ट एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट्स तो यहाँ पर जरूर दो इंटरव्यूअर्स जो हैं वो किपलिंग और किपलिंग जी की बीवी के पीछे पड़ गए होंगे तो किपलिंग और किपलिंग जी की बीवी ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया तो जब किपलिंग जी ने इंटरव्यू देने से मना किया तो यहाँ पर उन रिपोर्टर्स ने बोला अरे सर क्यों क्यों आप मना क्यों कर रहे हैं आप इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू दीजिए ना सर तो उन्होंने ये बोला तो इतने में हमारे किपलिंग जी बोलते हैं क्यों मना कर रहा हूँ मैं इंटरव्यू देने के लिए अरे क्योंकि इंटरव्यू देना या इंटरव्यू मांगना इंटर्व्यू है। किपलिंग इंटरव्यू इमोरल है ये तो मॉरल ही नहीं है आप जो ये कर रहे हो ये तो सही ही नहीं है इनफैक्ट उन्होंने तो इसे क्राइम कह दिया है अकॉर्डिंग टू रूड किपलिंग इंटरव्यू एक क्राइम है उतना ही क्राइम है जितना किसी पर्सन के खिलाफ जाकर आप कुछ करते हो या किसी को असोल्ट करते हो हाथापाई करते हो किसी के साथ जोर जबरदस्ती करते हो जितना क्राइम वो है ना उतना ही क्राइम इंटरव्यू लेना है और जैसे असोल्ट की हैरसमेंट की सजा होती है ना वैसे ही इंटरव्यू लेने की भी सजा होनी चाहिए ऐसा कहते हैं रुडियार किपलिंग वो तो क्या कहते हैं कि ये इमोरल है ये एक क्राइम है उतना ही क्राइम है जितना आप कह सकते हो असोल्ट होता है ठीक है किसी के साथ हैरसमेंट करना होता है और जैसे उन चीजों की सजा होती है इसकी भी सजा होनी चाहिए अरे यहीं पर नहीं रुके हैं रुडियार जी उन्होंने आगे क्या बोला कि ये तो कावर्डली और वायल्ड है उन्होंने तो ये कह दिया कि ये तो कुछ ऐसे लोग ही कर सकते हैं जो बुजदिल है अंदर से डरपोग है अंदर से किसी का फायदा उठाना चाहते हैं ऐसे लोग हैं जो पापी हैं केवल वही लोग ये चीज कर सकते हैं इंटरव्यू के प्रोसेस में आ सकते हैं नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट उन्होंने कह दिया कि कोई भी अच्छे खासे घर का इंसान कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन ठीक है रिस्पेक्ट करने वाला इंसान ना तो इंटरव्यू लेगा और ना ही इंटरव्यू देगा अरे तुम खुद रिस्पेक्टेबल नहीं हो जो तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हो मेरा ना देना तो छोड़ो तुम आगे से रुड़ियाड़ ने उन्हें झाड़ और दिया और कह दिया कि ऐसा इंसान जिसकी इज्जत नहीं होती है ना वही इंटरव्यू लेता है और वही इंटरव्यू देता है मेरी इज्जत है मैं इंटरव्यू नहीं देने वाला ऐसा उन्होंने कह दिया अब इतनी बड़ी बात उन्होंने कही तो अभी इससे तो यही पता चलता है ना बच्चों के इसके बाद में ना तो किपलिंग ने इंटरव्यू लिया होगा ना इंटरव्यू दिया होगा बट आयरनी देखो क्या कमाल की आयरनी है यहाँ पे येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ एन सॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर अभी तक तो इतनी बड़ी बात हमारे रोडियार्ड किपलिंग जी कह रहे हैं कि कोई एक इंसान जो है वो रिस, जो रिस्पेक्टेबल इंसान जो है वो इंटरव्यू ना लेता है ना इंटरव्यू देता है और फिर भी उन्होंने ऐसा असोल्ट ऐसा असोल्ट ऐसा हरासमेंट कुछ ही साल पहले मार्क ट्वेन के साथ कर दिया याने याने कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कुछ साल पहले किपलिंग जी ने खुद ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू के अंदर अभी अभी इंटरव्यू देता है ना कोई रिस्पेक्टेबल इंसान इंटरव्यू लेता है हा? और खुद जो है वो मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लेकर आए हैं कुछ साल पहले समझ रहे हो तुम दोगलापन यहां ये दोगलापन इसके लिए है क्योंकि जब इंटरव्यू लेने की बात आती है ना कि जब आपको जाकर सिर्फ सवाल पूछने होते हैं कि हाँ आपके अकॉर्डिंग ये क्या है वो क्या है ऐसा क्या है वैसा क्या है तो बहुत आसान लगती है चीजें उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको इसकी चिंता नहीं है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है पब्लिक क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी आप पीछे हो बट जब इंटरव्यू देने की बात आती है ना तो आपको सोच समझ के बोलना होता है हमारे एक एक वर्ड सोच समझ के रखना होता है तो वो एक्चुअली ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो यहाँ पर जब अभी रुडिया को यू नो इंटरव्यू लेना था मार्क ट्वेन का तब तो बड़े अच्छे से इंटरव्यू ले लिया तब उन्हें नहीं स लगाई है और जब अब उनका इंटरव्यू लेने के लिए दो इंटरव्यूअर्स आए तो कहते हैं असॉल्ट क्राइम है तुम्हें सजा होनी चाहिए हाँ क्या चल रहा है ये एनी anyway, ये तीसरा नाम था जो आपको याद रखना है और इनका पूरा जो भी इंटरव्यू को लेकर है वो याद रखना है जो है है वो याद रखना चौथा नाम जो है वो एच जी वेल्स का है एच हाँ जी वेल्स ठीक है जी एच जी वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 नाइनटी फोर रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑडी

ऑडियल का मतलब होता है एक चैलेंज एक तरीके से हम कह सकते हैं दुविधा ठीक है एक प्रॉब्लम तो बोला कि ये ना सिर्फ एक ऑडियल एक चैलेंज है ठीक है बट आपको बता दूं कि ये बहुत बार इंटरव्यूज दे चुके हैं इंटरव्यू यानी जो इंटरव्यू देता है तो ये बहुत बार इंटरव्यू दे चुके हैं और लगभग ये कहने के चालीस साल बाद वो स्टेलिन जी का इंटरव्यू ले भी चुके हैं तो अगर एच जी वेल्स की माने तो ये जो पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और कुछ नहीं है और इसके साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो इनफैक्ट बहुत बार इंटरव्यूज के लिए हाँ भी बोल चुके हैं इंटरव्यू दे भी चुके हैं एंड इनफैक्ट वो इंटरव्यू ले भी चुके हैं तो वो दोनों एंगल से इंटरव्यू जो प्रोसेस है उसके अंदर थे इंडल्ज एंड इसी की वजह से शायद वो अच्छे से समझ पाए कि इंटरव्यू देना और इंटरव्यू लेना दोनों ही बहुत ज़्यादा टेक्निकल है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है तो इतना नेगेटिव हमारे एच जी वेल्स ने कुछ कहा नहीं है इसके बाद देखो सोल बिलो

बहुत बार हां बोला है इंटरव्यू के लिए ठीक है इतनी बार इंटरव्यू देने के बाद में भी एक बार पूछने पर उन्होंने बोला कि इंटरव्यूज और कुछ नहीं थंब प्रिंट्स है ऑन हिज विंड पाइप उन्होंने कहा मानो जैसे कोई गला दबा रहा है ये यहां पर थंब प्रिंट्स है विंड पाइप पे मानो जैसे कि किसी ने गम घोट दिया हो गला दबा दिया हो नहीं ऐसा क्यों बोला सॉल ने ऐसा इसके लिए बोला बिकॉज जब आप इंटरव्यू देते हो तो आप एक ऐसे सिचुएशन में होते हो जहाँ आप एक इंसान होकर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं बोलना है नहीं बोलना है नहीं बोलना है नहीं बोलना है और फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हो उसको याद करके अब यू यू नो आर लाइक थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर बोलना डिप्लोमेटिक होकर बोलना मतलब आपको लग रहा है कि ठीक है अपने आप को सेफ रखने के लिए आप बहुत सारी बातें नहीं बोलना चाहते हो बट देन बहुत बार आपको ऐसा लगता है इतनी इंट्रीगिंग क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको डिप्लोमेटिकली आंसर भी देना होता है तो बताने के लिए बहुत कुछ है पर फिर भी पब्लिक में नहीं बोल सकते हैं मानो जैसे किसी ने दम घोड़ दिया गला घोड़ दिया कि तुम चाहकर भी नहीं बोल सकते हो ठीक है तो ऐसा उन्होंने यहां पर इसे बताया अब यहाँ पर हमने देखा कि इतने सारे लोग जो हैं वो इंटरव्यू के ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर रहे हैं हमने देखा इतने सारे लोग इंटरव्यू के ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर रहे हैं उसके बावजूद इतने ड्रॉबैक्स होने के बावजूद ये सुप्रीमली सर्विसबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन माना गया है तो जो पॉजिटिव्स लिखेंगे तो इसको भी पॉजिटिव्स में काउंट कर लीजिए ये सुप्रीमली सर्विसबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन माना गया है कैसे माना गया है क्योंकि आज तो क्या है तुम अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हो तुम्हें यह भी पता है कि वो क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं कहाँ जा रहे हैं क्या पहन रहे हैं सारी चीज़ों के बारे में पता है तुम वो डेटा ईजिली कंज्यूम कर सकते हो पर एक टाइम पे वो पॉसिबल नहीं था और इसी की वजह से लोग इंटरव्यूज़ का इंतज़ार करते थे लोग इंतज़ार करते थे कि इंटरव्यू आएगा अमिताभ बच्चन जी का पता चलेगा उनके बारे में वो किस तरीके से काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं कैसे परसीव करते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं क्या स्केड्यूल रहता है उनका तो लोग इतने ज़्यादा इंट्रीग रहते थे ये एक्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था उस ज़माने में लोग इसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया करते थे आजकल जैसे हम लो, ल, लोग लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वैसे नहीं उस टाइम पर इंटरव्यूज के थ्रू इन्फ्लुएंस किया करते थे कोई इंटरव्यू में कोई सेलिब्रिटी कह दिया करता था हाँ मुझे एक्चुअली यू नो मेरे, मेरे को ब्लू कलर की शर्ट्स बहुत पसंद है तो एकदम से जब उसका इंटरव्यू छपता था तो सारे जितने भी लोग हैं वो ब्लू कलर की शर्ट्स पहनना लग जाते थे कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटी को ब्लू कलर बड़ा पसंद है समझ रहे हो तो इस तरीके से लोग पहले इन्फ्लुएंस किया करते थे ना दीज डे इज़ मोर देन ऐट एनी अदर टाइम आर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आर कंटेम्प्रेरीज़ आर थ्रू इंटरव्यूज़ आप देखोगे कि इन दिनों के अंदर हमारी जिंदगी के बारे में हमारी लाइफ के बारे में अगर हमें पता चल सकता है हमारे लोगों के बारे में हमारे आस पास के लोगों के बारे में सेलिब्रिटीज़ जिन्हें हम फॉलो करते हैं उनके बारे में अगर हमें पता चल सकता है तो वो इंटरव्यूज़ के थ्रू ही पता चल सकता है यहाँ पे हम लोग को एक और पर्सन uh, का से भी मिल गया है तो हम लोग ने पाँच तो ऑलरेडी याद कर लिए हैं एक छठा हम लोगों को और यहाँ पे नाम याद करना पड़ेगा डेनिस ब्रायन का हैज रिटर्न ऑलमोस्ट एवरी थिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस डेनिस ब्रायन ने कमाल की बात कही उन्होंने बोला व्हाई डू यू थिंक दैट इंटरव्यूज आर ऑल अबाउट सेलिब्रिटीज आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंटरव्यूज में देर इज दिस पर्सन आस्किंग क्वेश्चन टू अ सेलेब्रिटी एंड यू नो सेलिब्रिटी कैजुअली बता रहा है या या आई थिंक या आई सपोर्ट डेमोक्रेसी नो आई लाइक ब्लैक कलर नो आई लाइक ऑरेंज बेटर तो इस तरीके से वो इनके बारे में बता रहा है नहीं डेनिस ब्रायन तो कहते हैं कि इस दुनिया में होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हम तक पहुंचती ही ऐसे है जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान से सवाल करता है आपके पास में जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं वो आते ही तब है जब किसी एक इंसान से सवाल किया जाता है और उस सवाल का वो इंसान जो है वो जवाब दे रहा होता है क्योंकि इंटरव्यू एक्चुअली अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रायन इज अ टू वे कम्युनिकेशन एंड दैट्स इट। वन पर्सन आस्किंग क्वेश्चन किसी और पर्सन को और वो आंसर करता है एक इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जिसका आप रिपोर्ट बनाते हो एंड यू गो दैट इज इंटरव्यू एंड क्योंकि यहाँ पे सब कुछ उन सवालों पर निर्भर करता है जो सवाल पूछे गए हैं इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यूअर होल्ड अ पोजिशन ऑफ इंटरव्यूअर सवाल पूछने वाले की जो पोजिशन है वो काबिल तारीफ है वो ऐसी है जो अन है उसके पास जो पावर होती है क्योंकि वो वो सवाल पूछ सकता है जैसा उसे आपको दिखाना हो अगर किसी इंटरव्यूअर को आपको पॉजिटिव दिखाना है तो वो आपसे ऐसे सवाल पूछेगा जिससे ऑटोमेटिकली आप पब्लिक के सामने पॉजिटिव दिखोगे अगर किसी इंटरव्यूअर ने ठान लिए ना कि आपको नेगेटिव दिखाना है तो वो ऐसे सवाल पूछेगा कि आप कितने भी विटी हो जाओ वो ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आएगा कि वो कोई ना कोई शेड तो आप पे डाल ही देगा तो कैसे सवाल है उन पर डिपेंड करता है कि कैसी इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी इसीलिए अनमैचेबल पावर है इंटरव्यूअर के पास में और अनमैचेबल इन्फ्लुएंस भी वो जैसे चाहे ऑडियंस जो कि उसको पढ़ रही है उन क्वेश्चन उन के आंसर्स को पढ़ रही है उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है ठीक है तो डेनिस ब्रायर ने बोला कि इंटरव्यूअर के पास में बहुत ताकत है इंटरव्यूअर के पास में बहुत पावर है और वो एक्चुअली आपको जैसे चाहे वैसे दिखा सकता है एनी anyway, वेज so, इसके साथ में आपका पार्ट वन हो गया है कंप्लीट अब बच्चों पार्ट वन से एक ही क्वेश्चन बनता है और वो एक ही क्वेश्चन में सब कवर हो जाता है और वो एक क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू के पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बताने आपको जितना भी सेलिब्रिटीज और स्टार्टिंग में पॉजिटिव मिलता है वो एक तरफ लिख लो अपना होमवर्क बना लेना ये कि जितना भी आपको ऐसा लगता है वो एक तरफ लिख लीजिए और जितना भी आपको नेगेटिव्स लगता है वो एक तरफ लिख लीजिए अच्छा इसके लिए आप अपने इधर पॉजिटिव्स डाल लीजिए सारे ठीक है आपको पॉजिटिव वैसे क्रिस्टिफर सिल्वेस्टर के एंगल से ही देखने को मिलेंगे और इधर डाल दीजिए नेगेटिव जी जितने भी सिलेब्रिटी ने जो भी नेगेटिव बोला है तो यहाँ पर सिलेब्रिटीज के नाम छह नाम आपको मिलेंगे ये लिख लीजिए और ये लिख कर और बढ़िया नेगेटिव भी यहाँ लिस्ट कर लीजिए ये आपका एक क्वेश्चन इससे पार्ट से हो जाएगा तैयार एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नया चैप्टर ऐड हुआ है तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन तो आप ये वाला एक क्वेश्चन तो अब भी तैयार कर सकते इसका दूसरा वाला जो पार्ट है वो बहुत ही आसान सा पार्ट है बड़ा ही छोटू सा है वर्टो इको के साथ में इंटरव्यू है वो वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है वर्टो इको पे हाउएवर वो एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से छोटे छोटे और भी क्वेश्चन बन सकते तो वो भी हम डिस्कस करेंगे बट आज के क्लास में नहीं कल के क्लास के अंदर हम वो डिस्कस करने वाले हैं आज आप ये प्रिपेयर कर लो अच्छा किसी भी बच्चे को आलस आ रहा है ये प्रिपेयर करने में तो मैंने इसका छोटा सा प्यारा सा आ, ये जो पूरा चार्ट है वो ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है चैनल पे उसका वीडियो मिल जाएगा मैं उसे या तो लिंक उसका डाल दूंगी नीचे कॉमेंट सेक्शन में या फिर कहीं पर मार्क कर दूंगी तो वहां से भी आप देख लेना तो आपको बैठ लिखने की भी जरूरत नहीं है जो सुन लेना और देख लेना स्क्रीन लेना हो जाएगा काम समझे गया तो इसके साथ में कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर का पार्ट वन पूरा ठीक है तो पूरा एक पार्ट कंप्लीट कर लिया और एक पार्ट हम करने वाले हैं कल ओके और ये जितने भी बच्चे आए हैं जल्दी से जल्दी से सेशन से को लाइक कर दो यार ताकि इस तरीके से बाकी सारे सेशंस आपके मिस ना हो जाएं ठीक है क्योंकि ऐसे सेशन फिर आपके पास में और रेकमेंड होते रहेंगे तो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे अच्छा इसके साथ में नई नई श्वेता अच्छा इसके साथ में चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए लिंक अभी ढूंढ के दे देती हूँ आपको प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है आपके साथ में शेयर कर देती हूँ और अगर अपडेटेड नहीं है तो अपडेट कर दूंगी डैनिस ब्रायन ने नेगेटिव पॉइंट दिया या पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर इंटरव्यू की दृष्टि से देखें तो नेगेटिव ही है क्योंकि इंटरव्यूअर के पास में बहुत ज़्यादा पावर और इन्फ्लुएंस होता है वो जैसे चाहे आपको दिखा सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव तो हम उसको क्योंकि अभी इंटरव्यू की दृष्टि से ही देख रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की दृष्टि से ही देख रहे हैं तो नेगेटिव में ही डालेंगे अगर आप चाहो तो इनफैक्ट अपने आंसर को कॉन्क्लूड करने के लिए भी डेनिस ब्रायन का न्यूट्रल पॉइंट सामने ला सकते हो कि अकॉर्डिंग टू यू अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम मुझे तो ये नेगेटिव नहीं लगता है मुझे तो ये पॉजिटिव लगता है तो आप अपने आंसर के अंदर भी ये मैंशन कर सकते हो कि डेनिस ब्रायन का हाउ एवर बड़ा ही न्यूट्रल व्यू था इंटरव्यू पे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो इंटरव्यूअर के पास में काफ़ी अच्छी पावर होती है जिसकी मदद से वो दिखा सकते हैं जैसे चाहे इंटरव्यू ही आपको बस एविडेंसेस देने होते हैं याद रखना सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो ओके okay. देखो अभी तो मैंने ये ठान लिया है कि अभी मैं पहले आपका पूरा सेलेबस कंप्लीट कराऊं तो जैसे पूरा सेलेबस कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद में ही हम लोग क्या करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट जितने जो भी होंगे वो करते रहेंगे सोर्स ऑफ कैसे क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है जो वो कहेगा वही तो कहीं ना कहीं सच होगा ना मतलब अगर कोई एक पर्सन से ही आप मिल रहे हो और वही सामने से आपको कोई एक बात बता रहा है तो उससे ज्यादा बड़ी सच्चाई तो और कोई है ही नहीं वो तो फिर भगवान जी से ही मिलेगी आपको है ना एक तो कोई थर्ड पार्टी आकर आपको कुछ बताए तो उसके अंदर तो मिर्च मसाला होगा पर एक कोई पर्सन साक्षात आकर आपको कुछ बताए तो वो तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जितना भी सत्य मौजूद है वो वही है बस उसके ऊपर का सत्य भगवान है कितना सिलेबस बचा है uh, बेटा सिलेबस आपका गोइंग प्लेसेस बचा है फ्लेमिंगो में और विस्तास में ऑन द फेस ऑफ इट और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड बचा है केवल ये तीन चैप्टर्स बचे कोई बात नहीं मिली कंग्रेचुलेशंस पंकज एग्जैक्टली आपको जब भी आप ये नेगेटिव पॉइंट्स बताओगे आपको छ के छह सेलिब्रिटीज का नाम याद होना चाहिए और इसके साथ में उन्होंने क्या बोला है ये भी याद होना चाहिए अम्यूजमेंट का मतलब होता है चौकना आ, कभी खुश होना भी होता है और टू देर सरप्राइज वंडर ओके, राइट देन थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टूडे एंड आई विल सी यू टुमोरो कल भी हम मिलने वाले हैं सवा सात बजे ठीक है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो एंड आई नीड योर सपोर्ट अभी सबसे ज़्यादा तो प्लीज़ अगर आप चैनल को अपने फ्रेंड्स को या बाकी सारे ग्रुप्स में भी रेकमेंड कर देंगे तो ये जितने भी हम वीडियोस बना रहे हैं जितने भी लाइव सेशंस दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा पाएंगे एंड इट विल हेल्प यू एंड तो यस थैंक यू सो मच आपके अनपैरल सपोर्ट के लिए जो आप ऑलरेडी मुझे शो कर रहे हो एंड आई एल सी यू थैंक टू थैंक यू बब बाय Take care,